saiyo. अच्छी तरह से याद है, मैंने खड़ा यही गाड़ा था, खड़ा मंदिर में और फूल यहां। ये कैसे हो सकता है? ये बीज ये कहां से आ गए? बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने साईं से कहा था वो सब अक्षरा से सच हो गया? मालसापति जी, मालसापति जी, मालसापति जी है क्या? विवाह? नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है विवाह? आज पूर्णिमा है तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना आज रात पहले की तरह सब इकट्ठा होकर द्वारका माई में साईं का प्रवचन सुने। जिसने भी सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है, लेकिन साईं से पूछा कि नहीं? हाँ, वो तैयार है, तभी तो मैं सबको सूचित कर रहा हूं। आप भी आइएगा, सारे गांव वाले आते हैं साईं का प्रवचन सुनने। संध्या आरती के बाद मैं सीधा द्वारका माई आ जाऊंगा और वहां आकर आप लोगों की तैयारी में मदद भी करूंगा। जैसा आपको उचित लगे कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, बाकी लोगों को भी सूचित करना है। अच्छा, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। आज रात गांव वाले साईं के पास होंगे तो मुझे काफी समय मिल जाएगा आभूषण चुराने के लिए। साईं, अरे सारा काम तुम लोग अकेले ही कर लोगी क्या? लाओ मुझे कुछ मदद करने दो। नहीं साईं, हम ये सब कर लेंगे, तुम बस आराम से बैठकर अच्छे अच्छे पौराणिक कहानियों के बारे में सोचो जो तुम आज हमें सुनाने वाले हो। बिल्कुल सही कहा आपने। साईं, आज आप कोई काम नहीं करेंगे, हम सब किस लिए? प्रणाम। भगवान तुम्हें सही गलत अच्छे बुरे में फर्क करने की समझ दे, सद्बुद्धि दे तुम्हें।
साई दीजिए, मैं करता हूँ। अरे नहीं काका, आप थक गए होंगे। आप सुबह से मंदिर में हैं और अभी आप संध्या आरती भी कर आए हैं, मैं ये सब कर लूंगी। आपकी बात सही है, लेकिन नेक काम में मदद करने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लाइए दीजिए। जब सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे तो मैं इस बार कोई ठोस बहाना बनाकर मारुति मंदिर चला जाऊंगा। रुकी काका। हाँ? माफ कीजिए, लेकिन हम में से कोई भी साई का झूला छूटा नहीं है। साई, तुम अपना झोला हटा दो ताकि वो साफ सफाई कर सके। ऐसा क्या है उस झोले में? मारुति मंदिर में भी साईं अपने झोले को लेकर बहुत सतर्क था। खैर, मुझे क्या? मुझे तो अब बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सब लोग आ चुके हैं, यही अवसर है मेरे लिए, लेकिन कैसे निकलूं? साई, पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। रात बहुत हो गई है, मुझे दे दीजिए, मैं ले आता हूं। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, मैं ले आता हूं। ठीक है, छी लीजिए। साईं, कृपा करके आप शुरू कीजिए। आज कौन से विषय पर ज्ञान देने वाले हैं आप, बताइए ना साईं, आज के प्रवचन का विषय क्या है? वैसे तो आज पूर्णिमा की रात है, पर आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका विषय है ग्रहण। और ये कथा विष्णु पुराण और महाभारत
दोनों में ही है। ये कथा समुद्र मंथन के बाद की है। जबकि देवताओं और दैत्यों में अमृत को पाने के लिए होड़ लग गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतार में खड़ा कर दिया। देवताओं को एक कतार में खड़ा करके अमृतपान कराने लगे। पर इसी बीच एक असुर जिसका नाम था स्वरभान, वो देवताओं की कतार में सूर्य देव और चंद्र देव के बीच जा खड़ा हुआ। ताकि वो छल से अमृतपान कर सके। देवता बारी बारी अमृत पान कर रहे थे। और देवताओं की कतार में खड़ा स्वर भानु अपनी बारी का इंतजार। उसे कोई पहचान नहीं सका था। अंततः स्वर भानु की बारी आई और उसे लगने लगा कि अब उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। शिरडी के लोग बड़े ही बोले हैं, कितनी गलतियां की मैंने फिर भी मुझे पहचान नहीं पाए। ये निकल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही स्वरभानु अमृत पीने के लिए आगे आया,
सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। पर तब तक स्वर्भानु अमृत पी चुका था। अमृत गले से नीचे ना उतर पाए इसलिए भगवान विष्णु ने तत्काल स्वर्भानु का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। गला कटते ही अमृत शरीर से बाहर गिर गया, पर स्वर्भानु का मुख तो अमृत चख चुका था। तब ब्रह्मा जी ने स्वर्भानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, जिसे राहु कहा गया। और स्वर्भानु के धड़ को सर्प के फन से, जो कि केतु कहलाया। एक भी आभूषण निकल नहीं पा रहा, जैसे चिपक गए सबके सब। स्वर्भानु सूर्य देवता और चंद्र देवता के कारण ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए वो सूर्य देव और चंद्र देव से द्वेष रखता है। इसी द्वेष के कारण समय समय पर राहु सूर्य को ग्रहण करने की और केतु चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद सूर्य देव राहु से और चंद्र देव केतु से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु अधिक समय तक सूर्य और चंद्र का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि राहु के पास खाने के लिए मुख तो है, पर पचाने के लिए धड़ नहीं। और केतु के पास पचाने के लिए धड़ है तो खाने के लिए मुख नहीं। छल कपट करके मनुष्य कुछ देर के लिए तो आगे निकल सकता है, पर उसका कभी भला नहीं हो सकता। चाहे स्वर्भानु हो या फिर रावण जैसा विद्वान, उनका छल उनका कपट ही उनके पतन उनके विनाश का कारण बनता है।
घड़े वाली घटना के बाद गांव वालों ने सारे आभूषण मूर्ति से चिपका दिए। शाह मुझे नहीं लगता ये निकलेंगे। ऊपर से मैं अगर ज्यादा देर तक गायब रहा तो लोगों को शक हो जाएगा। अरे पंडित जी, आप अभी पानी लेकर आ रहे? जबकि साई ने हमें पूरी कहानी सुना दी। वो अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया था, अफसोस कहानी नहीं सुन पाया, नुकसान तो मेरा ही हुआ। कोई बात नहीं, भजन अभी बाकी है, आप हम सबके साथ उसका आनंद लीजिए। साईं, भजन संध्या शुरू करते हैं। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे हरे अनेक उसके अंश से बना हरे, जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा, यहां तो मौका ही मौका है, भीड़ का फायदा उठा के मैं कुछ भी चुरा सकता हूं।
काका, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना आपसे, हम में से कोई भी साई का झोला नहीं छूता। वो मुझे झोले में कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। मुझे लगा कोई कीमती वस्तु होगी जो बाहर पड़ी है, तो सोचा संभाल कर रख दूं। द्वारका माई में हर वस्तु सुरक्षित है, फिर चाहे वो जमीन पर ही क्यों न पड़ी हो। हाँ काका, और वैसे भी साई के झोले में ईंट रखी है। ईंट? और वो चमकती नहीं है। ईंट? लेकिन मैंने देखा वो चमक रही थी। जरूर भ्रम हुआ है आपको पंडित जी। साई जब से शिरडी में है तब से ये ईंट उसके पास है, और ये कोई साधारण ईंट नहीं है। इसके पीछे कारण जो भी हो, साई के लिए ये ईंट बहुत महत्व रखती है ना? अपने आप को साई इस ईंट से कभी दूर नहीं करता है। लेकिन इस ईंट में ऐसा क्या खास है? मैंने कितनी बार इसके पीछे की कहानी पूछी है साई से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता है। चिपरी, तुम्हें क्या, साई ने हमें भी नहीं बताया है आज तक। साई, आज जब सब लोग यहाँ हैं, सबकी जिज्ञासा है, और पंडित जी भी आज कथा नहीं सुन पाए, तो आपसे अनुरोध है कि इस ईंट से जुड़ी कहानी आज आप बता ही दीजिए। कि ये ईंट आपके लिए इतनी खास क्यों है? साईं, जब तुम छोटे थे, बाल योगी थे, तब से जानती हूं तुम्हें, तब से तुम्हें अपना बेटा माना है। लेकिन मां होकर भी मैं अपने बेटे के बारे में नहीं जानती हूं कि तुम कहां से आए, शिरडी में आने से पहले तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, आज तुम्हें बताना ही होगा। हम सबको अपना मानकर हमारी सारी समस्याओं को दूर करते हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। हम भी हमारे साईं के बारे में सब जानना चाहते हैं। आज अपनी मां की यह इच्छा पूरी कर दो। अपनी मां की इच्छा को अस्वीकार करना यह मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए अपनी पहली स्मृति से शुरू करता हूं। मेरी पहली स्मृति, मेरे बचपन की स्मृति, स्मृति मेरे गुरु वेंकुशा की।
ये कौन है जिन्हें श्रद्धालु भगवान के साथ साथ प्रणाम कर रहे हैं? इन्हें नहीं जानते, ये वेंकुशा हैं। इन्होंने खुद को ये नाम दिया हुआ है, भगवान वेंकटेश्वरा के सेवक वेंकुशा। साक्षात भगवान वेंकटेश्वरा का आशीर्वाद है इन पर। अच्छा? हाँ, कहते हैं एक बार उनके मन में कोई गलत विचार आया था, तो उन्होंने उस गलत विचार का पश्चाताप करने के लिए अपनी आंखों में सुई चुभोकर अपने आप को नेत्रहीन बना लिया था। हाँ? पर इनकी आंखें तो अच्छी हैं। हाँ, उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान वेंकटेश्वरा ने उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं इसे आपको सौंपना चाहती हूँ, क्या आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ। और उस दिन से मेरे गुरु मेरे लिए सब कुछ बन गए। आज मैं जो कुछ भी हूं, ये मेरे गुरु जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकारान्त मिदम शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, और परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। इसलिए यह शरीर परोपकार के लिए ही बना है, दूसरों की सेवा के लिए बना है। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस श्लोक को याद करो और इससे सीख लो। आज मौसम बड़ा खराब है, इस कंबल को ओढ़कर सोना, ठंड लग सकती है बेटा, जाओ। लेफ्ट। एक कंबल बच गया। क्या कर रहे हो बेटा? बारिश में बीमार पड़ जाओगे। हवा के झोंके से पक्षी का ये बच्चा अपने घोंसले से गिर गया है
और लगता है इसकी माँ इसके लिए भोजन की तलाश में गई है। इसे मैं इसके घोंसले में रखना चाहता हूँ, पर इसका घोंसला बहुत ऊंचाई पे है, तो मैंने सोचा कम से कम इसको हवा और बारिश से बचा कर रखूं। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं? ये तो सोचा होता कि भीगने से सर्दी लग जाएगी, तुम बीमार पड़ सकते हो। गुरुजी, आप ही ने तो कहा था गुरुजी, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। और भले ही इस पक्षी ने मुझसे मदद ना मांगी हो, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूं ना कि इसको मेरी मदद की जरूरत है। बहुत लगाव था, बहुत जुड़ाव था, और कई बार तो मुझे ऐसा लगा करता था जैसे मेरा और उनका जन्मों जन्मों का नाता है। साई, तुम एक बात तो बताना भूल गए, जब तुम पहली बार अपने गुरुजी से मिले थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे? क्या तुमने कभी पूछा उनसे इस बारे में? साईं, इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, है ना? समझ गया साईं, आप उस समय भी खास थे, और ये कहने में आपको संकोच हो रहा है। आप हमें इतने महत्वपूर्ण तथ्यों से वंचित मत रखिए। उस समय भी किसी ने मेरे गुरुजी से यही सवाल पूछा था जो आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने महसूस किया है कि इस शिष्य के प्रति आपका बहुत लगाव है, बल्कि जब आप पहली बार उसे मिले थे तब मैंने आपको कहते हुए सुना था कि आप उसी का इंतजार कर रहे थे। एक बार मैं साधना में लीन था, वेंकुशा, तुमने कठिन परिश्रम करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा पुनर्मिलन अपने पिछले जन्म के शिष्य से हो, जो तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर जगत गुरु बनेगा।
मैं अपने सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा देता हूं। ज्ञान देते समय कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। मैंने अपने सभी शिष्यों से एक श्लोक को याद करने और उसे सीख लेने को कहा था। श्लोक याद करना और उसे आचरण में लाना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे सभी शिष्यों ने श्लोक को कंठस्थ कर लिया था, परंतु इस बालक ने श्लोक के अर्थ को आत्मसात कर लिया, उसे अपने जीवन में उतार लिया और इसे देखते ही मुझे आभास हो गया कि ये बालक वही है। गुरुजी ऐसा सोच भी कैसे सकते? कल का आया हुआ लड़का हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? हम यहां बरसों से उस लड़के से कहीं अधिक जानते हैं। वो लड़का हमारी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? फिर क्या हुआ साईं? मंशा और परिश्रम से जीवन में सब कुछ हासिल होता है, शिक्षा भी ज्ञान भी। तुम केवल उतना ही प्राप्त करते हो जितना चाहते हो। कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा समाप्त हुई, हमने सब कुछ सीख लिया। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, अंतिम सांस तक चलती रहती है। उस कल के है लड़के ने गुरुजी का सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब तो लगता है गुरुजी उसे दिव्य ज्ञान देंगे और हम सब वंचित रह जाएंगे। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। साई, क्या उन लड़कों ने आपको परेशान किया था? आत्या, परेशानी तो केवल मन की एक दशा है और कुछ नहीं। हर मुश्किल, हर परेशानी ने मुझे धैर्य रखना सिखाया और फिर मेरे साथ तो मेरे गुरु थे। उनके प्रोत्साहन के आगे हर मुश्किल, हर समस्या छोटी ही लगती थी। जरा उधर तो देखो, किसी ने भी नहीं कहा साफ सफाई करने के लिए, लेकिन ये गुरुजी के लिए दिखावा करने में सबसे आगे रहता है। यही दिखावा कर करके गुरुजी की नजरों में ऊपर उठ गया और हमें नीचे गिरा दिया उसने। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलो चलो।
ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम थक गए। इसके चक्कर में जो गुरुजी ने पाठ याद करने के लिए दिया था वो भी नहीं किया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं गुरुजी, मैंने वाला गले में अटक गया था। अच्छा, ध्यान रखना बेटा। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, ताजा हवा से आराम मिलेगा। उस रात गुरुजी ने मुझे चांद सितारों, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया। ये भी बताया कि इतनी दूर होने के बाद भी हम कैसे उनसे जुड़े हुए हैं, कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं। गुरुजी से उस ज्ञान को पाकर, उनके साथ समय बिताकर, मैं उन शिष्यों को मन ही मन धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उनके कारण ही तो मुझे ये अवसर मिला था। मैं ज्ञान पाना चाहता था और वो ईश्वर तरह तरह से मुझे ज्ञान प्राप्ति के अवसर दे रहा था। साईं, बुरी परिस्थितियों में भी शांत रहना, स्थित प्रज्ञ रहना कोई आपसे सीखे, इसीलिए तो आप सबसे अलग है। लेकिन साईं, आप ही तो कहते हैं ना कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये फकीर या तो बहुत बेवकूफ है या हम सबको बेवकूफ बना रहा है। कौन बर्दाश्त करता है ये सब? बर्दाश्त करने जैसी या स्वीकार करने जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थे और मैं अपनी। लेकिन साई, क्या आपके गुरुजी ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया? कुछ
कोशिश की थी। जानते हो, कुछ भी खुद ब खुद नहीं बदलेगा, कोई भी तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो जाते। खुद के लिए खड़े होने की जरूरत तो तभी होगी ना, जब मैं किसी से परेशान हूँ, दुखी हूँ, और मुझे ना तो कोई परेशानी है ना किसी से कोई शिकायत। तुम कहते हो तो सच ही होगा, लेकिन अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी जो मैं आपको बताऊं। साई, अगर तुम्हारे जगह मैं होती ना तो मैं गुरुजी को जाकर सब कुछ सच बता देती, ताकि वो एक एक ही अकल ठिकाने लगाते। जिपरी, तू कोई नई बात कर, क्योंकि हम सबको पता है कि तुझे अपने दोस्तों की शिकायत करने में बड़ा मजा आता है। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मजाक भी किया तुझसे तो साई के पास पहुंच जाती है। साई देखिए ना, ये अली मुझे तंग कर रहा है। साई देखो ना ये अली, जिपरी को परेशान करना बंद करो और कहानी सुनो। फिर क्या हुआ साई? हम सभी अपनी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। सभी सोचते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएं। कोई सोचता है कि हम धन दौलत छोड़कर जाएंगे, तो कोई सोचता है कि हम परोपकार करेंगे ताकि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया, ये लोग हमें याद रखें। पर एक सच्चा गुरु सोचता है कि वो अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा को अपने किसी योग्य शिष्य को विरासत में देकर जाए, ताकि उस ज्ञान, उस शिक्षा से वो लोगों की मदद करे, उस ज्ञान को संसार में प्रसारित करे। और मेरे गुरुजी को भी किसी ऐसे ही शिष्य की तलाश थी। बच्चों, आ जाओ सब। मैं जितना ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से तुमको दे सकता था मैंने दिया, लेकिन कुछ ज्ञान शास्त्रों के परे है और उसका पात्र केवल वही हो सकता है जिसमें उस ज्ञान का सदुपयोग करने का सामर्थ्य हो।
हम सब तैयार हैं गुरुजी। क्या तुम ज्ञान पाना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं उस ज्ञान के योग्य हूं भी या नहीं। चलो गलती से ही सही, मुंह से सच तो निकला। वो मैं तय करूंगा कौन योग्य है और कौन नहीं। वो कैसे गुरुजी? मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। अब तक तुमने शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उससे ज्ञान अर्जित किया, लेकिन सिर्फ पढ़ना और उसकी कहानियां याद रखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अपने ज्ञान का अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। तो अब तक तुमने जो पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके आधार पर यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत आसान सवाल है गुरुजी। इसका उत्तर शास्त्र है, क्योंकि वो हमें जीने की राह दिखाता है। गलत। मैं उस मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज के बारे में पूछ रहा हूं जिसके बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। ईश्वर? ईश्वर की महानता को समझने के लिए भी उस चीज की आवश्यकता है। मां? गलत। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके बिना मां की ममता को भी महसूस नहीं कर सकते। इसे कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन यह मेरे द्वारा सिखाई गई सभी चीजों से अधिक कीमती है। और जो तुम्हारे पास पहले से ही है और जिसे तुम जानते भी हो, अगर मेरा ज्ञान चाहिए तो बताओ क्या है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। भूख? नहीं। नए जीवन का आरंभ? और तुम सब्जी काटते रह गए है ना? लेकिन मुझे यकीन है उस प्रश्न का उत्तर तुम जरूर जानते होंगे। क्यों? क्या सोच रहे हो? अपने गुरु भाइयों के बारे में, इसलिए सब्जी काटने बैठ गया। क्योंकि अगर सब्जी नहीं कटी हुई होती तो खाना देर में बनता और बेवजह सबको भूखा रहना पड़ता। अब काम हो गया, तू मेरे सवाल का जवाब दो। छी, ये कैसे दुर्गंध है? वेंकुशा जी, Thank you.
देखो। अंदर आ जाओ। संकोच मत करो, अंदर आओ। क्या कष्ट? कुशा जी, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं, पता नहीं मुझे ऐसा कौन सा रोग हो गया जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। कुशा जी, ये देखिए,